अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी मैक लिपस्टिक्स कलेक्शन और उसके स्वाचेज़। मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे पास जो मोस्टली शेड्स हैं, मेरे पास 12 शेड्स हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 9 में शो करी हूँ, क्योंकि कुछ जोन से हैं वो मुझे नहीं मिले। तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल मैं आपसे यही शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहला शेड है जी प्लीज़ मी, और ये है A45। मैक के जो शेड्स लिए जाते हैं, जो लिपस्टिक्स ली जाती हैं, वो उनके नाम से ली जाती हैं, उसमें नंबर्स मायने नहीं रखते। तो मैंने आज तक जितनी भी लिपस्टिक्स ली हैं वो नाम से ही ली हैं, नंबर से नहीं। तो इसलिए मैं आपको नाम बता जाऊँगी। तो फर्स्ट शेड इज़ प्लीज़ मी। बहुत थोड़ा सा रह गया है, 2-3 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ में यूज़ हो जाता है, स्पेशली ऑफिस गोइंग पीपल के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, जो लोग जॉब वगैरह करते हैं। आपको पता है कि नॉर्मली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स यूज़ नहीं करते। तो ये है जी दूसरा शेड मैक वर्ल्ड, इस पे नंबर है A75। नंबर थोड़े से ब्लर हो गए हैं, क्या मैंने शायद सही से फोकस नहीं किया, तो मैं आपको नाम ही बताती जाती हूँ। ये मैक वर्ल्ड है, इसमें जैसे कि पहली बार लिपस्टिक में पिंकी स्टोन आता है, तो इसमें थोड़ा सा ब्राउनी स्टोन है। और ये मैक की वो लिपस्टिक्स हैं जो मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट सेलिंग थी इनकी, तो मैं हमेशा उसी में से लेती थी, क्योंकि मुझे भी ये शेड्स बहुत अच्छे लगते थे, और मैक ब्रांड से तो आप ही ले रही होंगे। तो ये है थर्ड शेड वेलवेट टैडी है, और इसका नंबर देखें, जैसे कि मैंने कहा था ब्लर हो गया था, मुझे ठीक से दिखा नहीं, तो मैं नंबर आपको नहीं बताया। अगर आपको नंबर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ये वेलवेट टैडी है, इसमें ब्राउनिश प्लस पिंकिश सा टोन आता है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है। इसमें मेरे पास जो लिपस्टिक्स हैं, बस वो कलर्स ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, जो मैरूनिश और रेडिश है, या एक डार्क पिंक है थोड़ा सा वो, बाकी के सारे ख़त्म होने पे हैं, और जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं न्यू ले लूँगी। और ये है शेड जी कैंडी यम यम, ये थोड़ा सा पिंक है, जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ कि ये पिंकिश है। वैसे तो ये पार्टीज़ वगैरह में, ईद पे मैंने 1-2 बार यूज़ किया था, वैसे यूज़ नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टिल न्यू है, बट बहुत ज़बरदस्त कलर है। मोस्टली लोग लगाते भी हैं बहुत ज़्यादा कलर, बट मैं इसे ऑफिस यूज़ में या डेली लाइफ में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क लगता है, या थोड़ा पार्टी पार्टी टाइप लगता है इसलिए। तो फिर आ जाता है डेम ग्लैमरस है, ये भी मरूनी सा है, और ये भी आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी क्वांटिटी है, अभी मैंने ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया, थोड़ी सी यूज़ की है, और इसका रीज़न यही है कि ये डार्क है। और आपको पता है कि यहाँ पे जैसे कि हम सऊदी अरब में, तो इतनी ज़्यादा दावतें गैदरिंग और ये सब नहीं होते, ईद वगैरह या किसी के बर्थडे हो तभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, नॉर्मल नहीं। तो देखिए ये भी बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत नाइस कलर है। सो अभी आता है सो सिलेक्ट, ये एक ब्राउनिश कलर है, तो मैं आपको इसका भी स्वॉच करके दिखाती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली ब्राउन शेड्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये जो सा है मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है, थोड़ा लाइट लाइट सा है, लाइक इसमें भी थोड़ा सा पिंकी स्टोन आ जाता है, तो अच्छा लगता है। आपको पता है न्यूड कलर्स तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये इतने न्यूड भी नहीं है कि जो बिल्कुल स्किन कलर के होते हैं, वैसे भी नहीं है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स हैं सारे, आई होप कि आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वॉच करते हैं हम, केंकी है ये। ये जिस मॉडल ने लगाया हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये डार्क रेड है, और ये जैसे ब्राइड्स के लिए भी यूज़ होता है, तो बेसिकली इसे मैंने सिर्फ अपनी भतीजी की शादी में यूज़ किया था, और उसके लिए भी उसको भी यही यूज़ करवाया था मैंने। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये रेड कलर है, बहुत बहुत प्यारा। तो अब इंशाल्लाह मेरी सिस्टर की शादी है, तो तब भी मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह मैं ये वाली लिपस्टिक्स ले चलूँगी और यूज़ कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो इन पे एक्सपायरेशन डेट मेंशन नहीं होती है, बट फिर भी विद इन 1 ईयर या 2 ईयर्स अगर आप यूज़ कर लें तो बेटर रहता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कब चीज़ें एक्सपायर हो जाएं। तो अभी ये नेक्स्ट शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी देखिए ब्राउनिश सा है, और इस शेड का नाम है जी मेहर। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरी फ़र्स्ट लिपस्टिक है मैक की जो मैंने ख़रीदी थी, मैक वर्ल्ड एंड मेहर, ये दो ऐसे लिपस्टिक शेड्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और ऑलमोस्ट ये सेम। आपको पता है कि लिपस्टिक के कितने शेड्स होते हैं जो सेम होते हैं, बट जब लिप्स पे जाती हैं तो वो डिफरेंट आ जाता है उसमें। तो ये है जी मेरी लास्ट लिपस्टिक जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी देखें रेड है, रेड है, डार्क मरून है। ये है डी फॉर डेंजर, ये मेरे पास 2 थी, और एक मैंने गिफ्ट कर दी थी अपनी एक भाभी को जो इंग्लैंड से आई थी। तो ये हैं जी सारी लिपस्टिक की स्वाचेज़, आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। और मैक की लिपस्टिक से आप सब फेमिलियर भी होंगे, बहुत अच्छी ब्रांड है मैक की, और मैंने मैक की बस लिपस्टिक्स और फिक्स प्लस और प्राइमर्स वगैरह ही लिए हैं आज तक।
इस और मैक के ब्रशेस फाउंडेशन का लेने का कभी इतफाक नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फाउंडेशन भी लूँगी। तो अगर आपको इन लिपस्टिक्स के नंबर्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि इन लिपस्टिक्स को नाम से परचेज किया जा रहा था, नंबर्स से नहीं, इसलिए मैं नंबर्स मेंशन नहीं किए। तो मैं आपको एक क्लोज़अप दे देती हूँ इन शेड्स का, देखें बहुत ही प्यारे हैं और सभी एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी सेम सेम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्वेचेज़ पसंद आए होंगे, पसंद आए हों तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट।